cute love story. So before I call the cast and crew on the stage, let's have a look on the trailer, please. Come close, photo kar do. Sapne thoda piche na. Close, see you. Yeah, one more, yeah. Chalo. Thank you. Photo done. Yeah, now I. Sir. Hi. आप यहाँ बैठ ठीक है यार ऑल ऑफ यू लुक साइड दिस कैमरा अरे बाप रे वेल होल्ड ऑन होल्ड ऑन बिना लाइट देना सर हाँ हाँ यस होल्ड ऑन वन मोर थैंक यू सर इस तरफ सर सर यहाँ पे ये कर होल्ड आ सर दूसरे थोड़ा आपके लेफ्ट पे मैडम थोड़ा लेफ्ट पे टच करना लेफ्ट लेफ्ट सेंटर बोल हम इस तरफ ना वन मोर यार स्टेडियम थोड़ा लेफ्ट पे टच और करो दत्ता डालर ये थमना लूट यार रूम ओपन है भाई हाँ यार होल्ड यार मैडम लेफ्ट पे टर्न करोगी मैम दिस साइड दिस साइड यार लुक यार स्ट्रेट यार एक्सक्यूज मी यार यार वन मोर यार क्या मजा एक दोनों पोस्टर है ना अरे है ना इतना हाँ यार पोस्टर लगवा दो वहाँ ये भी पोस्टर होगी यार 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 नाउ बोथ ऑफ यू लुक यार बोथ ऑफ यू होल्ड आ राजू बना रहे एक्सक्यूज मी इस तरफ चल लेफ्ट साइड बोथ ऑफ यू अरे हम लोग का होने तो पहले ही तुमको पापा था बाबा जी ओके वाले भाई लोग हो गया नहीं हुआ नेक्स्ट मेनू को लुक क्या प्लीज सर कैसा डाल के था अंश क्या नाम लुक क्या अंश हो गया अंश लेफ्ट में इधर लुक क्या प्लीज ऑफिस में बैठा है क्या अब्बा जी अभी ये कैमरा ठीक है Now here. Hold on. Hold on left me, bhai. Arre, ruk jao, bhai. Haan, bhai. Javed ji, cast ko bula. Haan, pura bula to. Hey, Naseem. Haan, pura bula. Haan, pura cast ko bula le. Haan, pura cast ko bula le. Haan, pura cast ko bula le. Haan, wait, abhi now, bhai. Now here. Now this camera. Hold on. Raju. Yeah. All of you left side. One more. Raju. All of you left side. एक मिनट यार दिलाल भाई नाम ही अलग है और फिल्म भी थोड़ी अलग है मतलब यार बिकॉज जब मुझे फिल्म सुनाई गई थी जब पहले राहुल ने बुरी फिल्म सुनाई थी मेरे का टाइटल क्या है ये तो मैं जानता था कि अपनी सेटल कैरेक्टर राजू है उसका नाम इसी राजू फिर बाद में जब पूरी कहानी सुनी तब मैंने रिलाइज किया कि यस और टाइटल का एक डेफिनेटिव रीज़न है कि क्यों उसको इसी राजू और मतलब इट्स कैसे बताऊँ कि मतलब ये शूट करते हुए काफ़ी कुछ डेवलप हुआ वाइल शूटिंग और आपको टाइटल जस्टिफाई भी होता है और एक्साइटिंग भी है मतलब क्योंकि ये इट्स अ यूथ फिल्म इसमें मैं और अब्बास दो नॉन यूथ एक्टर हैं बट अदरवाइज इट्स फन ओके सर इसी के साथ आपके किरदार के बारे में बताइए किस तरीके के किरदार में आप नजर ये एक घर की प्रोड्यूसर है और एक ज़माने में डायरेक्टर था बनाता है बहुत ही गंदी फिल्में बनाता है लेकिन सत्यजीत रे और ऋषिकेश मुखर्जी और एल्फर्ड हिचकॉक इन तरह के पोस्टर्स रखता है इसकी एक यंग बीवी है जो उससे कम से कम 20 साल जवान है जो इसका एक अपना एक मतलब नाम का एक कैरेक्टर जो पंजाबी है और कहीं ना कहीं हीरो के साथ एक लगाव इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लड़की इसके लाइफ से जाती है और इसकी बीवी भाग जाती है तो एक यूनाइट होकर फाइनली ये जो हीरो है वो उसके ऑफिस में काम भी करता है तो इट्स वेरी फनी कैरेक्टर एंड काफ़ी ओवर द टॉप सारे यूथ है आप एक्सपीरियंस कैसा आई थिंक बहुत बढ़िया था राहुल ने आई थिंक सबको राहुल हमारे डायरेक्टर राहुल शुक्ला उन्होंने सबको प्रॉपर ब्रीफ दी हुई थी शूटिंग वॉज वेरी ईजी अब्बास तो मतलब मजे हुए कलाकार हैं मतलब अब्बास के साथ काम नहीं किया था बट जानते थे एक दूसरे को
और बाकी के जितने कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स आती है सबके साथ मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये लोग फ्रेशर्स हैं और बहुत अच्छा लगा इनके कलाकारों के और बहुत ही जो जितने भी दिन हमने साथ में शूटिंग किए एक फैमिली जैसा एक शूटिंग हुई और बस उसमें शायद इस तरह की फिल्म के लिए वो माहौल जरूरी है इस फिल्म की USP ये है कि हर एक आदमी अपनी फिल्म के बारे में अच्छी बात कहता हम तो बिकॉज हर फिल्म करते हैं उसको उतनी इट्स अ फन फिल्म डोंट गो बिकॉज देयर आर नो बिग स्टार्स बट दीज पीपल जो हैं इस फिल्म में आई थिंक आफ्टर दिस फिल्म और अगर लोगों ने देखा तो दे विल बिकम स्टार्स राहुल शुड बिकम अ स्टार डायरेक्टर एंड इट्स अ फन फिल्म आप आएंगे थोड़ा सा ज्ञान लेके घर जाएंगे और थोड़ी सी मस्ती इट्स अ लाइट फिल्म इट्स अ फील गुड फिल्म या डन डन आई थिंक 200 स्क्रीन्स हैं इसके ऑल इंडिया एंड आईनॉक्स में भी रिलीज हो रही है आई थिंक एंड ऐसे टाइम पर आ रही है जब दो बड़ी फिल्में हैं साइड बाय साइड और कभी कभार ये होता है कि जब दो हाथी क्लैश करते हैं तो हमारी एक छोटी सी चींटी मुझे लगता है आगे निकल जाएगी किरदार के बारे में बताइए ट्रेलर जो है काफ़ी क्वर्की लगा हम लोगों को और कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट और सबसे पहले किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को ओके सो मेरी कैरेक्टर थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है और आजकल की जैसी लड़कियाँ होती हैं वो वैसी सी ही है थोड़ा कन्फ्यूजन है थोड़ा फन है थोड़ा रोमांस है सब कुछ है उसमें सो आप देखोगे तो समझ में आएगा सेट पे आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स माई डायरेक्टर वॉज अमेजिंग माई को एक्टर्स वर अमेजिंग सो येस आई हैड फन शूटिंग इट इट वॉज रियली गुड मेरा किरदार जो है वो एक छोटे गाँव का है जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आता है फिर किसी से प्यार में पड़ता है फिर उस प्यार के साथ जो जो कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में आती हैं करियर वाइज उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आता है तो मेरा कैरेक्टर उसी के ऊपर आसपास घूमता है अच्छा ये जो क्वेश्चन ये जो टाइटल है शी राजू थोड़ा क्यूरियस यू नो टाइटल है सो उसको लेकर कुछ रिवील करना चाहेंगे आप टाइटल को लेके अभी रिवील कर देंगे तो लोग पिक्चर नहीं देखेंगे तो आप फिर भी एक हिंट कोई ऐसा देना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली वो हिंट दे दूंगा तो आप पिक्चर की आपने ट्रेलर देखा ना ट्रेलर में बहुत सी ऐसे क्लूज हैं जो आप थोड़ी बहुत कनेक्ट कर सकते हैं तो आप देखो फिल्म आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी ओके इसी के साथ में काफी अलग तरीके जिस तरीके से हमने देखा काफी डिफरेंट तरीके का किरदार आप प्ले कर रही हैं तो कितना चैलेंजिंग था वो किरदार आपके लिए प्ले करना एंड क्या क्या प्रिपरेशन लगी उसको प्ले करने का ओके इट वॉज अ चैलेंजिंग रोल एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वर्क्स व्हिच आई हैव डन सो उस कैरेक्टर में जाना और उसको बहुत अच्छे से करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प की इवन माई कोएक्टर ही आई यूज टू टेक लेसन ओके टीच मी समथिंग बट देन इट वॉज फन डूइंग इट इट वॉज वेरी चैलेंजिंग आई होप आई हैव डन द जस्टिस नॉट रियली बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी अदर कैरेक्टर विच आई नो टिल डेट So no, not really. I haven't taken any reference. But then yeah, people were coming up with the points ki haan ji ki aap ye kar sakte ho, wo kar sakte ho. I was open for the opinions and I took it and it did work out. Since it's a debut film and Amit Bansal, बहुत अच्छा experience था मतलब खैर ऐसा लगा ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा experience उन्होंने show नहीं किया कि हाँ कि हम senior हैं आप नए नए आए हैं अभी काम करें काफ़ी cooperative थे और हाँ ऑब्वियसली उनके सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि कैसे एक्टिंग कैसे करनी है किस तरह से कैमरा हैंडल करना कैसे फेस करना है कैमरा तो हाँ मतलब अच्छा था उनके साथ काम करना बीट अमित सर बीट अब्बास सर बोथ ऑफ देम आर सुपर सीनियर्स एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ हमें लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसे न्यू हैं और वो हमें ऐसे थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे कुछ नहीं इट वॉज फन विद देम ऑन द सेट एंड दे आर अमेजिंग पर्सनैलिटीज दे आर गुड गुड एज अ ह्यूमन बींग एज वेल और कौन सी किरदार जो मैं करना चाहूँगी आई वुड लव टू प्ले नहीं इट्स बेसिकली जो भी मेरी डेस्टिनी में होगा और मेरे पास आएगा और मुझे लगे कि वो मैं कर सकती हूँ एनी रोल नो नन ऑफ द रोल्स आर बैड अनुराग एनी ड्रीम एक्टर
राजकुमार राव. क्या किस बारे में? ड्रीम एक्ट्रेस. मैं किसके साथ काम करना चाहूँगा? बट आई वुड लाइक टू वर्क विथ प्रियंका चोपड़ा. मतलब ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी ये क्वेश्चन? वेल सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है प्लॉट, सिर्फ यही नहीं है कि यही कन्फ्यूजन नहीं कि क्या वो राजू है या नहीं है. बहुत सारी चार कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं. तो कोई किसी कैरेक्टर से रिलेट करेगा, कोई किसी कैरेक्टर से रिलेट करेगा, तो ऑब्वियसली लोग रिलेट करेंगे. लुक व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली राइट. सो हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरीज है, वो नॉर्मल लाइफ से इतनी रिलेटेड है कि कोई भी हो वो किसी ना किसी कैरेक्टर से फॉर श्योर रिलेट करने वाला है. तो या मतलब सॉरी फॉर द क्वेश्चन. कंधे पे हाथ रख लो, कंधे पे हाथ रख लो. ओके लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे? Look, I would like all of you to watch our film on 8th of March. It's a fun romantic comedy. I am pretty sure you guys are gonna completely enjoy, and it's not gonna be a waste of money of yours. So please go watch our film on 8th of March near your theaters. मैं चाहूँगा कि आप सब जाके फिल्म देखें और देख के आप अपने आप को रिलेट करेंगे उन कैरेक्टर से, और वही सारी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में जी चुके हैं, तो आपको अच्छा लगेगा वो लम्हे फिर से जी के. तरक्की करते रहे, आबाद रहे, बढ़िया. सबने मेहनत की है यार, तुम लोग भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, मिलके काम करें. बहुत अच्छी फिल्म है, सबने बहुत हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन से फिल्म बनी है, और उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आएगी. हम सब एक फेज होता है कॉलेज का, लाइफ में हम आते हैं, कॉलेज में आते हैं, एंजॉय करते हैं. तो अगर हम सब ने वो लाइफ जी है तो हम सब इस फिल्म से मतलब जुड़ सकते हैं आपस में. आप फील करेंगे कि आपकी कहानी है, जो कॉलेज लाइफ में मस्ती होती है, मज़े होते हैं, वैसा कुछ है. यूथ फिल्म देखिए, मज़ा आएगा. ये ऐसी फिल्मों का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आता है, ऐसी फिल्में आपके साथ चल रही होती हैं. तो ये चल ही रही थी, ये फिल्म तब से चल रही थी जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ, जब से पढ़ाई, जब से एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ. तो चलती हुई फिल्म थी, चलते चलते कागज़ पे उतर गई, कागज़ पे उतरी तो मुझे मज़ा आया, तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ. 8 मार्च भूलिएगा मत, पहुँच जाइएगा थिएटर में 8 मार्च 2019. जी हाँ, स्टारकास्ट से मेरी समझ जो है कि जो कहानी के पात्र जैसे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाए, ना कि वो अपना पर्सोना है, अपनी पर्सनैलिटी लेके आए, तो वो सबसे एप्ट एक्टर्स हैं फिल्म के लिए, सबसे एप्ट स्टार्स हैं. सो कास्टिंग करते हुए मुझे हमेशा ध्यान में मेरे वही रहता है कि हर अभिनेता होने से पहले जो होता है वो हो जाए तो मेरे लिए परफेक्ट. और आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि फिल्म जियो और जीने दो, एंटरटेन होइए, एंटरटेन रखो, मजे लो. ओके मैम, आप बताइए कि आपने राजू ही राहुल राहुल जी से क्यों बनवाई? क्योंकि राहुल टाइटल तो बहुत जस्टिफाई करता है, पर राहुल से क्यों बनवाई? क्योंकि इसका पैशन देख के और इसका डेडिकेशन देख के, ये बहुत पैशनेट है, बहुत डेडिकेटेड है, इसलिए मैंने इससे बनवाई. ओके थैंक यू सो मच यार. ये जो फिल्म मैंने की है दोस्तों की मोहब्बत में की है, बढ़िया मेहनत की है लोगों ने, दुआएं साथ में हैं, आगे बढ़ते चलना है. दिख रही सर, मेहनत दिख रही है सर. Thank you.
आप खुद से लगा ले सेंटर और ले ले। कैरेक्टर्स हैं उनकी आपस की केमिस्ट्री और उनके अपने अपने लाइफ के स्ट्रगल चैलेंजेस उसके ऊपर फिल्म है और बाकी क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे किरदार के बारे में बताता हूँ, मेरा किरदार एक बहुत ही सीधा सिंपल सा किरदार है जो एक आम आदमी होता है जिसके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। वो अपनी लव लाइफ में बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने करियर वाइज स्ट्रगल कर रहा है, करियर वाइज कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो अपने अरमान लेके वो बड़े शहर में जाता है और बड़े शहर में जाके उसको जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, आप जाते हैं अगर आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं आपको उसके तौर तरीके सीखने में टाइम लगता है, आपको वहाँ लोग ठगने वाले मिलते हैं, तो बस वही चैलेंजेस हैं। ये बड़ी सब कैम P2C है, P2 कैमरा है। आप रेडी करिए। हाँ ठीक है। सो अब अपना परिचय खुद क्या दूँ, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ, फिल्म लिखी भी है मैंने और झारखंड से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से पढ़ाई की है, मुंबई में काम कर रहा हूँ, पूरी तरह से भारतीय हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। फिल्म हमारी आपकी फिल्म है, फिल्म ऐसी कहानी से बनती है जो रोज़मर्रा के लाइफ में हमको आपको प्रभावित करती है। टेलीविज़न एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित कर रहा है। उसके अलावा कहानी दोस्तों की कहानी है, कहानी रिश्तों की कहानी है, कहानी में कैरेक्टर्स की ट्रेजडी और कहानी के का जो ट्विस्ट है वो लोगों को हंसने पर मजबूर करेगा। और बहुत ज़्यादा मैं कहानी के बारे में अभी बता दूंगा तो लोग थिएटर क्यों जाएंगे। किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके की फिल्म? हाँ, ये सवाल जो है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हमेशा से चल रहे होते हैं, ये आते नहीं, ये होते ही हैं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इनको कह सकते हैं। अपने अनुभवों से हर रोज़ आप जो जी रहे हैं उससे जो सिचुएशंस निकल रही हैं, हर बार आप कॉलेज गए तो कॉलेज में एक सिचुएशन बनी ही होगी, आप मुंबई आए जर्नलिज्म करने के लिए आए तो एक सिचुएशन बनी ही होगी, तो ये जो जर्नी है इस जर्नी के दौर में जितने भी अनुभव हुए उन अनुभवों से घड़ी हुई कहानी है। पर कहानी बहुत फन स्टोरी है, कॉमेडी है, रिश्तों का ताना बाना है, देख के मज़ा आएगा। पूरे मुंबई में शूट की है, सिर्फ मुंबई की शूटिंग है। मुंबई देखिए, मुंबई बहुत इंटरेस्टिंग शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है जिसको हम शहर कहते हैं। आप अगर मुंबई से बाहर जा रहे हैं, मुंबई से दिल्ली भी जा रहे हैं, तो आपसे मुंबईकर पूछते हैं गांव जा रहे हैं क्या, तो मुंबई को शहर समझा जाता है। अब मुंबई एक ऐसा शहर है जो बाहें पसार के सबको ही अपनी आगोश में अपनी गोद में ले लेता है, तो कई जगहों से लोग आते हैं। मैं भी कहीं से आया का सवाल पूरा हो जाए, मैं भी कहीं से आया, तो इसी तरह से फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो किसी शहर से कहीं से आए हैं मुंबई में, तो कहानी कई जगहों की जो मुंबई में आके पूरी होती है। किसके लिए? फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगा कि 8 मार्च डेट याद रखिए, जाइए, सभी लोग जाइए, इन्जॉय करिए फिल्म को और सबको बताते भी रहिए जो भी मिले। 8 मार्च को हमारी फिल्म आ रही है इशी राजू। ज़्यादा जानने के लिए हमारा फेसबुक पेज है इशी राजू A6 प्रोडक्शंस, आप सर्च करें, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ट्विटर अकाउंट सब मिल जाएगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को आप देखते रहें और हमसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू यार। इस दुनिया में आजकल जो कुछ भी देख रहे हो, बड़ी अलग अलग चली की चीज़ें आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये बड़ा नयापन है। नयापन जो होता है ना, नया नाम, कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्जॉय करो, सिर्फ देखो, इन्जॉय करो, अगर नहीं किया तो दुआ मांगो। मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। म्यूजिशियन है, उसका सपना है कि उसको एकदम बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होती, आलसी आदमी है, सोचता है सब मिल जाएगा बैठे बैठे, तो इंटरेस्टिंग करेक्टर है ये, बड़ा वाला है ये, सबसे काम छीन के जो है काम खा जाता है। जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, मैं राइटर है ये, और थोड़ा सा हल्का सा ग्रे शेड है, बट बुरा आदमी नहीं, देखोगे तो। और ये सर इसी के साथ में जिस तरीके से देखा किरदार, तो आपने जैसे ही बता दिया ग्रे शेड, कितना चैलेंजिंग था वो किरदार करना यार मेरी ज़िंदगी में।
चैलेंज जो होता है ना भाई, वो हर समय आज तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ ये भी एक चैलेंज है। थक रही है, अंदर से कांप रहे हैं, क्या पूछ लेगा बंदा, पूछ लेगा पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये हर सेकंड पे चैलेंज चल रहा है, तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। आई लाइक इट। हाँ, क्या बहुत बहुत प्रिपरेशन की है। पहली चीज़ तो कि ये आदमी थोड़ा सा हाई रहता है लाइफ में, और मैं नहीं हूँ ऐसा, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। गिटार पे काम करना पड़ा, म्यूजिक सीखना पड़ा, तो बहुत प्रिपरेशन की है और मज़ा आया। फिल्म करने में हमको मज़ा आया, और पक्की बात है आप देखेंगे आप लोगों को मज़ा आएगा। ओके सर, जिस तरीके से देखा हमने कुछ रेफरेंस लिया आपने, मतलब एकदम अलग इधर किया किरदार आपने। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, देखिए तो इतना मुश्किल नहीं था ये रोल। कुछ काम किया है? हाँ हाँ, बाल काफ़ी छोटे किए हैं, चश्मा लगाया है, बंगाली है एक्चुअली ये, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो बंगाली मुझे बोलनी पड़ी है, लैंग्वेज पकड़ी है, बंगाली एक्सेंट पकड़ा है, तो मेहनत काफ़ी की है, सबकी मेहनत है, वो दिख रही है फिल्म के अंदर। तो सर आपके भी लुक पे काफ़ी काम किया गया है, आप बताइए सर। यार बाल बढ़ा रहा था एकदम से राहुल आ गया, कहना बस कटवाइएगा मत, मैंने कहा ओके, लुक बन गया। मेरी जिंदगी में जो रियलिटी है, हाँ बाल बढ़ा रहा था, सोचा था बढ़ा लूँगा, अभी और बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक बढ़ा लूँगा, अब देखो बीच में तुम भी आ जाना देखना। अच्छा, किरदार के लिए तैयारी हो रही? कुछ नहीं है, मतलब माहौल बनाते रहते हैं। हाँ सर, क्या 8 मार्च को फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? किसके लिए 8 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है सर, क्या दुआएँ हैं? दुआएँ हैं, और तुम लोगों से ये कहना चाहूँगा देखना जरूर, है ना, देखना जरूर। बिल्कुल सर, फिल्म देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को, यूथ फिल्म है, देखिए मज़ा आएगा। किसी भी फिल्म के पीछे काम करने वाले लोगों को हम कभी जान नहीं पाते हैं। फिल्म के पीछे काम करने वाले लोग हमारे रियल हीरो होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी ख़राब मौसम हो, पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की तकलीफ हो, पीछे काम करने वाले जो लोग हैं हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, फिल्म को सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिन है, आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। हमारे सिनेमाटोग्राफर बादल मनी आज हमारे फिल्म को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं, और इनकी बिलव्ड दादी माँ, इनका आज ही सुबह तड़के सुबह देहांत हुआ है, उनका आशीर्वाद हमें आज नहीं मिल पाया, लेकिन हम वो जहाँ भी होंगी हमें देख रही होंगी, हम सब की तरफ से, पूरे फिल्म के क्रू की तरफ से, पूरे फिल्म की कास्ट की तरफ से, हम दादी माँ की, बादल की दादी माँ की आत्मा की शांति की कामना करते हैं, और बादल को यहाँ फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, उपस्थित रहने के लिए, इस परिस्थिति में भी उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सपोर्ट रहा है इसका, अच्छा काम किया है, और इस परिस्थिति में भी आज भी हमारे साथ बना रहा है। थैंक यू बादल, थैंक यू सो मच। इस बाइक को प्लीज़ बनाइएगा, चलाइएगा, थैंक यू। ओके दीदी, सबसे ज़्यादा फिल्म के बारे में कुछ बताइए, काफ़ी डिफरेंट सा ही नाम है, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा डिफरेंट सा नाम है वैसा ही थोड़ा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली लोग बहुत रिलेट करेंगे हमारी फिल्म से, बिकॉज ये सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी नहीं है, उसमें कॉमेडी भी है, इसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनकी खुद की एक स्टोरी लाइन चल रही है, जिसे एवरी सिंगल वन, बीट वो बूढ़े हो गए हो, बीट वो यंग यूथ लोग हों, सब ने कॉलेज लाइफ जिया है, सब दोस्त, मतलब सब अपने दोस्तों को जानते हैं, उनकी स्टोरी है, उनके किसी दोस्त की स्टोरी, वो फॉर श्योर किसी ना किसी से रिलेट करेंगे। सो इट्स अ फिल्म वेयर माई कैरेक्टर इज़ ट्राइंग टू शो दैट शी इज़ अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन इन आर कंट्री और बीट आउटसाइड, every woman to be very independent, so I hope that message goes out. Okay, so this is about the kirdar ke bare mein kuch bataiye, sir, example ka he or she ka kya hai, ye samajh nahi pa rahe, question mark. Wahi to main cheez hai, agar main bata dun to wo cheeze to phir khul jayengi, log movie dekhne jayenge nahi, par ha thoda sa concept alag hai jisme wo confusion chal raha hai, to usi ke liye movie dekh lo wo confusion dur karne ke liye. Okay, kya हमें बेसिकली नरेशन दिया गया था, और जब मैं सुन रही थी और मुझे बोला गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वॉज लाफिंग माई हार्ट आउट देन, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू मी, एंड देन व्हेन आई एक्चुअली हैड टू प्ले सच अ रोल, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट वर्क. It's been 1 year I've come down to Bombay, and this was very first work, so
even I needed some polishing and things like that. And my director, my co-actor, they really helped me out. So yeah, it was good. So basically, there was a casting person. There is a casting person called Sachi. So she called me up and she's like, there's a audition going on. Would you like to go? I was like, yeah, why not? So I went for the audition. Basically I sent my audition first, self-test, and then they liked me, and then I went for the audition. They finalized it, and on the next day we signed the thing. So it was okay. What kind of role is your role? I want to do it. Being an actor, I would love to experiment with my work, but specifically, if you look at it, something related to army or military thing, or maybe Air Force, something like that, that I would like to do it. Like but, Like Uri? Yes, why not? So, yeah, something like that. But then, it's all in the destiny ki aapke haath mein kya aata hai aur kya karna chahoge. Being an actor, I would love to do any role. Any role which I think I can justify it, I would love to do it. What kind of shooting experience was it? Where did you shoot it? We shot basically everything in Bombay. All the things in Bombay were shot. Yes, I mean, there was nothing like that we went out and things. There were ups and downs, everything was happening. So that's right. There were a lot of good things in them. There were some small things in which we were shooting. That's a different thing. But then, yes, it has been. In today's time, today is Valentine's and today is the trailer launch. हाँ एक्चुअली मेरा कनेक्शन है क्योंकि हम रोमांटिक कॉमेडी हमने फिल्म बनाई है इट्स अबाउट लव इट्स अबाउट टू पीपल हु आर मैडली इन लव विथ ईच अदर एंड देयर आर प्रॉब्लम्स हैपनिंग एंड दैट इज़ हाउ नॉर्मल लाइफ इज मे बी यू आर डेटिंग समवन एंड यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप बट देन ठीक है यार वैलेंटाइन डे सब सॉर्ट हो जाएगा वैसा है मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा वैलेंटाइन सेलिब्रेट करती हूँ शी इज़ वन पर्सन आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट एंड नो वन इज़ गोना जज मी सो यार आई रिमेंबर अ वैलेंटाइन व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड हमने गैस बलून स्कूटी पे लगा के हार्ट बलून्स लेके हम स्कूल के अंदर घुस गए थे एंड देन प्रिंसिपल वॉज चेजिंग अस आउट So we have done crazy things and I love spending my Valentine with my best friend. Okay, last week, क्या कहना चाहेंगे आप फैंस से जो आपको देख रहे हैं आपका शुक्र हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सब 8th of March हमारी फिल्म अपने पास के थिएटर में देखें बिकॉज आई कैन गारंटी यू गाइज विल इन्जॉय एंड इट्स अ फन फिल्म अगर नहीं भी है तो भी देख लो यार देखोगे तो पता चलेगा तो पहले जाके देख लो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच